वेलकम टू टेक्निकल अस्त्र दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसराइल की डर्बी मिसाइल भारत के पास मौजूद फाइटर जेट तेजस को एक गेम चेंजर बना सकती है। भारत इसराइल की डर्बी मिसाइल की ओर क्यों झुक रहा है, इसके पीछे जो मेन कारण है वो है कि इस मिसाइल को अलग अलग प्रकार के विमानों में इंटीग्रेटेड किया जा सकता है और इसे स्पाइडर वायु रक्षा प्रणाली यानी कि स्पाइडर डिफेंस सिस्टम की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने डर्बी मिसाइलों को अपने रिटायर हो चुके सी हैरियर्स के लिए खरीदा था। इन सी हैरियर्स को भारत ने 1983 में ब्रिटेन से खरीदा था और इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना कर रही थी। डर्बी मिसाइल का इस्तेमाल भारत के स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी किया जाता है, जिसे इसराइल के द्वारा ही विकसित किया गया है। भारतीय वायुसेना पिछले दो सालों में अपने सुखोई 30MKI लड़ाकू विमानों के एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करने की संभावना पिछले साल की रिपोर्ट में सामने आई थी। यानी कि यहां पर साफ है कि भारत इसराइल की रक्षा मशीन पर ज्यादा भरोसा दिखा रहा है, जिसने पिछले कुछ सालों में भूमि और समुद्र दोनों पर ही एलिट फाइटिंग यूनिट्स का विश्वास जीता है। भारत डर्बी के वेरियंट आई डर्बी और आई डर्बी ER की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इसे मिराज सहित अलग अलग प्रकार के लड़ाकू विमानों में इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत किया जा सकता है। ये एक मल्टीपर्पज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना और नौसेना के द्वारा किया जा सकता है। डर्बी के वेरिएंट आई डर्बी और आई डर्बी ER यानी कि एक्सटेंडेड रेंज 5 साल पहले एरो इंडिया में इसका अनावरण किया गया था। भारत इसराइल से अपने शस्त्रागार में लगातार वृद्धि कर रहा है। वास्तव में भारत ने 2008 में इसराइली पाइथन और डर्बी मिसाइलों के लिए आदेश दिए थे और इसराइल के स्पाइस बम की क्षमता आपको पहले से ही ज्ञात होगी। HAL का लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस राफेल आई डर्बी ER एयर टू एयर मिसाइल से लैस होने वाला फाइटर जेट बन रहा है। इस मिसाइल की अधिकतम रेंज 100 किलोमीटर है और इसे आसानी से रेल लॉन्चर पर कहीं से भी ले जाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के LCA और सुखोई 30 पहले से ही आई डर्बी मिसाइल से लैस हो चुके हैं, इनका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है, लेकिन अब तेजस कॉम्बैक्ट विमानों में आई डर्बी ER मिसाइल को लैस करने का प्रयास किया जा रहा है। इन मिसाइलों को कंप्यूटर से ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन इनका वजन बाकी मिसाइलों की अपेक्षा थोड़ा अधिक है। स्वदेशी विमान तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है, जिसकी रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें लगे हुए लेजर गाइडेड बम जमीन पर मार करने में सक्षम है। हथियारों के अलावा सिर्फ तेजस विमान का वजन 6,540 किलोग्राम है, जो कि बाकी युद्धक विमानों से काफी हल्का है। अब जानते हैं आई डर्बी ER मिसाइल की क्या खासियत है। आई डर्बी ER एक मल्टी रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसे शॉर्ट मीडियम लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के रूप में जाना जाता है। ये मिसाइल डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करती है लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन के लिए। इस मिसाइल में सॉलिड स्टेट RF सीकर लगा हुआ है, जो कि इसे फुल ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। ये मिसाइल ऑल वेदर ऑपरेशंस में इस्तेमाल की जा सकती है। रॉबस्ट हाई परफॉर्मेंस ECCM से ये लैस है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि भारत को आखिर क्या जरूरत पड़ी आई डर्बी ER को अपने लड़ाकू विमानों में लगाने के लिए। दरअसल 26 फरवरी को बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक का जवाब देते हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने नियंत्रण रेखा पर 24 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया था। इनमें से कुछ विमानों ने राजौरी में भारतीय सैन्य ठिकानों और सेना की पोजीशन को निशाना बनाने के लिए LOC पार कर ली थी। जैसे ही भारत को पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकी द्वारा निर्मित AIM-120C5 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि AMRAAM को लॉन्च किया गया है, तो भारत की तरफ से 2 सुखोई 30MKI समेत 8 लड़ाकू विमानों को पीछा करने के लिए भेज दिया गया। AMRAAM ने भारत की एयर टू एयर मिसाइलों को पीछे छोड़ दिया। उस वक्त डिफेंस एक्सपर्टों का कहना था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्च कर भारतीय वायुसेना को चौंका दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि AMRAAM के प्रभावी रूप से इंडियन एयरफोर्स की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को पीछे छोड़ दिया, जिसे लॉन्च करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा जिन लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया था, उनमें से 2 सुखोई विमान थे जो AMRAAM मिसाइल से बच निकलने में कामयाब रहे, क्योंकि इन मिसाइलों को 100 किलोमीटर की सीमा से फायर किया गया था। इन AMRAAM मिसाइलों से इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 मार गिराए जाने से तो बच निकले, लेकिन F-16 विमानों का जवाब देने में वे असक्षम थे, क्योंकि वे पोजीशन से बाहर थे और उनकी R-77 रूसी मिसाइल की इतनी रेंज नहीं थी कि वे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को निशाना बना सके। भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने बताया कि रूसी मिसाइल 80 किलोमीटर से अधिक दूरी के लक्ष्य को निशाना नहीं बना पाती। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने इसराइल की आई डर्बी ER मिसाइल के संस्करण को देखा। इस आई डर्बी मिसाइल को सुखोई में लगाना एक अपने आप में चुनौतीपूर्ण काम रहा, क्योंकि खास तौर पर सुखोई 30 और इस मिसाइल के बीच डेटा लिंक को विकसित करने के लिए इसराइल की विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। फाइटर जेट लिंक के माध्यम से मिसाइल के साथ कम्युनिकेट करता है,
और लड़ाकू विमान के अपडेटेड वेक्टर यानी कि स्थान से गुजरता है जिसे निशाना बनाया जाना है। आपको बता दें कि आइडर बी ईआर मिसाइल जिन पर अब विचार किया गया है वो वर्तमान में शामिल सभी मिसाइलों से बहुत आधुनिक और एडवांस है। एविएशन वीक की एक रिपोर्ट के अनुसार नई मिसाइल अपने से पहले वाली मिसाइलों की तुलना में हल्की और ज्यादा कॉम्पैक्ट है और यही वजह है कि आइडर बी ईआर मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। यही नहीं, भारतीय वायुसेना ने केवल आइडर बी ईआर के अलावा यूरोप की एमबीडीए के द्वारा बनाई गई एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल एएस रैम मिसाइल पर भी विचार किया है जिसे 2014 में भारतीय वायुसेना के जागुआर विमानों के लिए अधिग्रहण किया गया था। ये 250 मिलियन पाउंड की डील का हिस्सा थी। इसका परीक्षण बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला में सुखोई 30 के मॉडल के साथ विंड टनल से किया गया था और एक बार पूरी तरह से जुड़ जाने के बाद ये वर्तमान में भारत के सुखोई 30MKI बेड़े पर लगी हुई R-73 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को रिप्लेस कर रही है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना सुखोई 30MKI के लिए स्वदेशी अस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल का मूल्यांकन कर रही है और अस्ट्रा पर काम भी किया जा रहा है। फिलहाल इसकी सीमित रेंज में उत्पादन हो रहा है और 50 मिसाइलों का ऑर्डर दिया गया, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना अपने तेजस और सुखोई विमानों के लिए एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट वाली मिसाइलें चाहती है। आपको बता दें कि DRDO अस्ट्रा MK2 पर भी काम कर रहा है। फिलहाल आइडर बी ईआर को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। तो दोस्तों, आपने कुल मिलाकर ये समझ लिया होगा कि आखिर भारत को क्या जरूरत है इजरायली आइडर बी ईआर मिसाइल की और इसके पीछे का कारण। यही नहीं, भारत MBDA और अपनी स्वदेशी रूप से विकसित अस्त्रा मिसाइल को भी इन पे इंटीग्रेटेड कर रहा है और अस्त्रा MK2 पर भी विचार किया जा रहा है जो कि आने वाले कुछ सालों में बनकर तैयार हो जाएगी जिसकी रेंज और भी ज्यादा प्रभावशाली है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।